श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे और भोलेनाथ करें कि आप लोग ठीक ही रहें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक बेल पत्र पर चंदन और शहद का क्या महत्व है, लगाकर चढ़ाने से क्या होता है। तो चलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिए। जिस बेल पत्री की मध्य पत्ती पर बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के तीन पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं। कई माताओं की आदत होती है जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। जम के बोलना जरा एक विचार कर कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे।